सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एट्स का प्रोडक्शन। एंड आज के छोटे पर मैं दिखाने वाला हूँ इंसर्ट एप्लीकेशन में कैसे जूम इन जूम आउट इफेक्ट अपने किसी भी वीडियो पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही में जूम इन एंड जूम आउट ट्रांजिशन को भी मैंने बताया कि आप कैसे फ्री यूज कर सकते हो एंड अपने वीडियो पे अप्लाई कर सकते हो। सो वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने इंसर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करते कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है, तो जस्ट आपको यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर देना होगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक पावर डायरेक्टरी या फिर रिसेंट करके मिलेगा, तो आप यहां से जस्ट उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना जहां पे कि मींस आपका सारा वीडियो हो। तो मेरा तो पावर डायरेक्टर में है, सो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद क्या करना, आपको अपने वीडियोस को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं दो वीडियोस सेलेक्ट कर लेता हूं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक डन वाले बटन पे क्लिक कर देना है, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये यहाँ पे जो ये ब्लर देख रहे हो आप, इसे हम लोग रिमूव कर लेते हैं। सो उसे रिमूव करने के लिए आपको कैनवास पे आना होगा एंड यहाँ से जस्ट 16:9 को सिलेक्ट करना है एंड डन पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जहाँ पे भी आप चाहते हो कि जूम इन एनिमेशन या फिर जूम आउट एनिमेशन अप्लाई करना, जस्ट उस वाले पार्ट को सबसे पहले आप डिसाइड कर लो। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे करना है, तो इस वाले पार्ट को मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको सिंपली साइज पे टैप करना है, देन स्प्लिट पे टैप करना है। एंड कहां तक आपको जूम इन जूम आउट रखना है, जस्ट आप यहां से प्ले करके देख लेना। चलो यहां तक हमें जूम इन एंड जूम आउट रखना है, ठीक है। तो यहां तक हम रखते हैं। देन उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको स्प्लिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक छोटा सा क्लिप हमें मिल चुका है, यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा हमें क्लिप मिल चुका है। अब क्या करना है, अब इस क्लिप पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको कैनवास पे आना है। कैनवास पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये जो बटन देखने को मिल रहा है, जस्ट इसका यूज करके आप जूम आउट एंड जूम इन क्रिएट कर सकते हो। सो हम इसे जूम आउट करते हैं एंड थोड़ा इसे सेंटर में फिक्स कर देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। देन उसके बाद हमें डन पे क्लिक करना है, ओके। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे वीडियो है वो जूम इन एंड जूम आउट हो चुका है, जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है। तो इस तरीके से करके मीन्स आप यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम इस वीडियो की बात करें, तो इस वीडियो में हम सिमिलरली उसी तरीके से कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, आप वही सेम स्टेप है, अपने वीडियो को आपको प्ले करके देख लेना कि कहाँ पे आपको जूम इन एंड जूम आउट एनिमेशन चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए, देन आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना होगा। वीडियो पे क्लिक करने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पे स्प्लिट वाले बटन को देख लेना है कहाँ पे, एंड स्प्लिट इसे कर देना है, ठीक है। तो स्प्लिट वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं, देन थोड़ा सा नेक्स्ट हम और प्ले करते हैं और यहाँ पे स्प्लिट करते हैं। देन ये जो छोटा वाला पार्ट हमें मिला है, जस्ट इस पे क्लिक करके यहाँ पे कैनवास पे आते हैं एंड इसे जूम इन कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से देख सकते हो आप, सिमिलरली हम यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। तो ये तो हो गया बात कि हम कैसे मीन्स कैनवास से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट से जूम इन या फिर जूम आउट करना है, देन उसे करने के लिए सिंपली से क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक ट्रांजिशन का बटन आपको देखने को मिल रहा है, सिंपली से आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा ये जैसे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको सुपर में जूम इन एंड जूम आउट एनिमेशन देखने को मिलेगा। सो आप इन दोनों में से किसी एक को यूज कर लेना। अगर आपको जूम इन करना है देन आप फर्स्ट वाले को करना, अगर आपको जूम आउट करना है देन आप यहाँ पे सेकेंड वाले को करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं फर्स्ट वाले को करता हूँ क्योंकि मुझे जूम इन करना। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से प्ले करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो जूम इन हुआ एंड देन जूम आउट हुआ, ठीक है। तो मीन्स इस तरीके से करके काफी सही लग रहा है देखने में, ठीक है। ऐसे तरीके से सिमिलरली अगर आप चाहते हो नहीं वहाँ नहीं हमें कहीं और जूम इन या फिर जूम आउट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करना है, देन उसके बाद वही स्प्लिट कर देना है, ठीक है। स्प्लिट करने से यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट का बटन देखने को मिलने लगेगा, सो आपको इस पे सिंपली से क्लिक करना है एंड इस बार हम जूम आउट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसका ड्यूरेशन को भी मीन्स कंट्रोल कर सकते हो कि आपको ज़्यादा रखना है ना कम रखना है, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। देन उसके बाद यहाँ पे हम इसे प्ले करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से करके हमारा ये जूम आउट एनिमेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ से कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में वीडियो का स्टार्टिंग में ही चाहिए, देन आप इसे अप्लाई करना, ड्यूरेशन को देख लेना, देन डन पे क्लिक करना और हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली इस तरीके से करके आप जहाँ पे भी चाहो अब कर सकते हो। नाउ बात रही इसे हमें एक्सपोर्ट कैसे करना है, मीन्स सेव कैसे करना है अपने मोबाइल में। सो सेव करने के लिए सिंपली सेव वाले बटन पे क्लिक करना है, देन रेजुलेशन को सेलेक्ट करना है 4K में अगर आप चाहते हो, देन यहाँ पे 4K आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे फ्रेम रेट भी आपको देखने को मिलेगा, सो फ्रेम रेट भी अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो देन आप कर लेना, बट अगर मोबाइल मीन्स लो क्वालिटी का है या लो परफॉर्मेंस का है तो मत ही रखना, ठीक है। 60 FPS और 4K नॉर्मल रख के यहाँ से जस्ट आप सेव पे क्लिक कर देना एंड इस तरीके से करके आपका ये वीडियो क्रिएट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड जाते जाते यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।